डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजू हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ये कोई बिंदु आवेश था, इससे आर दूरी पर हम विभव निकालते थे, उसका फॉर्मूला आता था KQ बटे में आर। क्लियर है? आज हम डिस्कस करेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। मतलब अभी तो हमने एक आवेश के कारण पढ़ा था, अब अगर बहुत सारे आवेश हों तो विभव कैसे निकालते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास कोई निकाय है, ये कोई निकाय है। इस निकाय में बहुत सारे आवेश हैं, मान लो Q1 आवेश है, इधर Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है और ये Qn आवेश है। बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Qn आवेश हैं। यहाँ पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर अपने को विभव ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर विभव किसके कारण होगा। तो आंसर है, यहाँ पर जो विभव है वो इस आवेश Q1 के कारण भी होगा, Q2 के कारण भी होगा, Q3 के कारण भी होगा और Qn के कारण भी होगा। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं, माना आवेश Q1, Q2, Q3, Qn आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव क्रमशः V1, V2, V3, Vn है। अतः तो देखो, इसके कारण विभव था V1, इसके कारण V2, इसके कारण, अब कुल विभव कितना होगा तो हमें पता है, जो विभव है वो एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर जो कुल विभव होगा वो हम सारे विभवों का बीजगणितीय योग कर देंगे तो वो यहाँ पर कुल विभव आ जाएगा। तो इस स्थिति में अतः P बिंदु पर परिणामी विभव विभव V निम्न होगा, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा, देखो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितने भी हैं सबको हम जोड़ देंगे। वो जोड़ करना है बीजगणितीय योग या अदिश योग, क्योंकि ये अदिश राशि है तो इसमें दिशा का तो कोई रोल होता ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा इनका योग कर देंगे। अब मान लो इस आवेश से इस बिंदु की दूरी है R1, इससे है R2, इससे है R3, इससे है Rn। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे, देखो विभव का फॉर्मूला होता था KQ/R, तो उसी फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे यहाँ पर। देखो पहले आवेश कारण हो जाएगा KQ1 बटे में R1, सेकंड के कारण हो जाएगा KQ2 बटे में R2 प्लस KQ3 बटे में R3 प्लस ऐसे ही जोड़ देंगे सबको KQn अपॉन में Rn। अब अगर चाहो तो इसमें से आप K को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि K कॉमन है सब में। तो देखो फॉर्मूले को और आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो आप, तो देखो V इक्वल्स टू हो जाएगा, K को हमने बाहर निकाल लिया तो हो जाएगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन में R3 प्लस Qn अपॉन Rn। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हैं। इसको और शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इक्वल्स टू K समीशन, समीशन का मतलब होता है जोड़ना, Qi अपॉन में Ri, जहां i की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 से और
एन तक। इसको मतलब समझना, देखो क्या है, जब आई की जगह हम वन पुट करेंगे तो हो जाएगा क्यू वन अपॉन आर वन, ये पहला वाला टर्म आ गया। आई की वैल्यू टू पुट करेंगे तो ये दूसरा वाला टर्म आ जाएगा, थ्री पुट करेंगे तो ये तीसरा वाला टर्म्स आ जाएगा। और समीशन का मतलब होता है इनका जोड़, तो ये पूरा फॉर्मूला जो है इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करते हैं तो अपना जो कंसेप्ट है और भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 5 नैनो कूलाम आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विभव ज्ञात करो। अब कोई भी माध्यम अगर नहीं दे रखा है तो हम माध्यम वायु मान लेते हैं, क्लियर है। तो देखो आवेश का मान अपने को गिवन है क्वेश्चन में, आवेश Q बराबर दे रखा है 5 नैनो कूलाम। अब नैनो का मतलब होता है 10^-9, तो नैनो की जगह हम पुट कर देंगे 10^-9, कूलाम को कूलाम लिख देंगे। उसके बाद दूरी दे रखी है अपने को 10 सेंटीमीटर, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो सेंटी का मतलब होता है 10^-2, तो इस सेंटी की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 10^-2, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया 10^-2, और ये है +1, तो ये बच जाएगी 10^-1 मीटर। अब विभव पूछा है तो ये बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है इसका फॉर्मूला होता है KQ/R। देखो K की वैल्यू होती है वायु निर्वात के लिए, K कुछ तो होता था 9×10^9, तो K की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 9×10^9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है 5×10^-9 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू है 10^-1। देखो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर 8 बच जाएंगे माइनस की, और प्लस की 9 है तो ये हो जाएगा, देखो 9×45 × 10^1 मतलब 450 मात्रक होता है विभव का वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू।